नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। कोरोना महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन है। जो जहां पर है वो वहीं पर टिका है। परिवहन के सारे साधन सरकार के द्वारा बंद किए जा चुके हैं। ऐसे में रेल परिवहन को भी पूरी तरह से बंद किया गया। केवल कुछ मालगाड़ियों को आने जाने की अनुमति है, ताकि जरूरत का सामान एक राज्य से दूसरे राज्य पर पहुंचाया जा सके। आज समाचार एक्सप्रेस की टीम ने करनाल के रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां पर लॉकडाउन का पूरा असर देखने को मिला। रेलवे स्टेशन जहां कभी यात्रियों की भरमार रहती थी, वह लॉकडाउन के चलते बिल्कुल खाली है। वहां केवल जीआरपी और आरपीएफ के 40 से अधिक जवान तैनात हैं, जो कि करनाल की सीमा के लगते सभी स्टेशनों पर मुस्तैदी से डटे हुए बकायदा नाके लगाए गए। यहां आपको बता दें कि करनाल के स्टेशन पर लॉकडाउन से पहले करीब 150 से अधिक रेलगाड़ियों का अप डाउन रहता था। लॉकडाउन के कारण सारी ट्रेनों को रद्द किया गया है, केवल कुछ माल गाड़ियां ही चल रही हैं। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि लॉकडाउन का सबसे सफल असर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह बात जरूर है कि जब एक बार प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर चले गए तो कई मजदूर स्टेशन पर ही पहुंच गए, लेकिन स्टेशन खाली और टिकट काउंटर बंद देखकर वह पैदल भी अपने घरों की ओर चल पड़े, जिन्हें बाद में प्रशासन द्वारा रोका गया था। इसके अलावा जो जहां था उसके ठहरने की व्यवस्था वहीं की गई। स्टेशन पर आए लोगों को पुलिस के जवानों द्वारा समझा बुझा कर वापस भेजा गया। समाचार एक्सप्रेस की टीम ने वहां मौजूद पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों की बात सुनिए क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण मुदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। और मैं इस समय खड़ा हूं करनाल के रेलवे स्टेशन पर, जहां पहले लॉकडाउन से पहले जहां पर यात्रियों की भरमार थी, आने जाने वाले लोगों की भरमार थी। लेकिन लॉकडाउन के दौरान अब आप देख सकते हैं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस जीआरपी आरपीएफ के जवान तैनात हैं, जो कि यहां की सुरक्षा की व्यवस्था को संभाले हुए हैं। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 150 से अधिक गाड़ियों का आवागमन रहता, अप डाउन चलता था यहाँ पर प्रतिदिन। लेकिन लॉकडाउन के दौरान सिर्फ मालवा गाड़ियों का आना जाना तो जरूर है, क्योंकि करनाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है, चावल यहाँ से दूसरे स्टेटों में भेजा जाता है। और यहाँ पर क्या प्रबंध किए जा रहे हैं, यात्रियों के लिए क्या सुविधाएँ हैं, और क्या इनकी तैनाती है, क्या इनकी ड्यूटी, इनसे इनकी इसकी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ताराचंद जी। मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा। सर, सबसे पहले आपका समाचार में स्वागत है। ताराचंद जी, यहाँ पर किस तरह की आप व्यवस्था संभालेंगे? देखो, लॉकडाउन के चलते हुए हमारी जोडक्शन में दोनों साइड में नाके लगे हुए हैं। हर स्टेशन पर हमारी फोर्स तैनात है और सभी प्रकार की गाड़ियां बंद है। सर, यहां पर कितनी गाड़ियों का आवागमन रहता है, अपडाउन रहता है डेली में? देखो, लॉकडाउन से पहले यहां करीब करीब 150 गाड़ियां यात्री गाड़ियां चलती थी और लोडिंग गाड़ियां उसे अलग है। तो सर, यहां पर जो है आपका एरिया कहां से कहां तक पड़ता है? हमारा एरिया नीलोखेड़ी के आउटर से लेकर गुरुंडा के आउटर तक है। तो इस समय जीआरपी और आरपीएफ दोनों की फोर्स यहाँ पर तैनात है सर? जीआरपी और आरपीएफ दोनों ही सभी स्टेशनों पर, जो हमारी जुडक्शन के स्टेशन हैं, जैसे गुरुंडा हो गया, बुजिदा जटान हो गया, करनाल हो गया, बैनी खुर्द हो गया, त्रावड़ी हो गया, सभी स्टेशनों पर हमारी फोर्स तैनात है। सर, कितने अपने पास कर्मचारी होंगे इस समय? हमारे पास 40 कर्मचारी हैं। तो सर, जीआरपी और आरपीएफ को मिला के? सर, यहाँ पर जैसे पहले ये होता था कि अब जैसे बीच बीच में चला था कि हाँ, सरकार जैसे लॉकडाउन में थोड़ी सी वो ढील दे सकती है, रेल को चलने की इजाज़त दे सकती है। तो सर, इस दौरान यात्री भी आए होंगे कुछ कैंसिल करवाने के लिए, कुछ रिजर्वेशन के लिए, सर उनके साथ आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लॉकडाउन से पहले आते थे यात्री टिकट कैंसिल के लिए या रिजर्वेशन के लिए। लॉकडाउन शुरू होने के बाद एक दो दिन लोग आए हैं, उसके पश्चात नहीं आए। पब्लिक और रेलवे यात्री पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं और रेलवे स्टेशन पर कोई नहीं आ रहा। इक्का दुक्का कहीं से आउटसाइड से आ जाता है, उसको हम वापस भेज देते हैं। ये सर हमारे साथ थे ताराचंद जी, जैसे इन्होंने बताया कि इनका एरिया पड़ता है ये ग्रोंडा से लेके आगे तक, और इनके पास करीब 40 से अधिक कर्मचारी हैं जो कि रेलवे व्यवस्था को संभाले हुए हैं। इनका ये भी बताना है कि पहले 150 गाड़ियों का अपडाउन रहता था यहाँ पर, लेकिन लॉकडाउन के दौरान सिर्फ और सिर्फ वो गाड़ियाँ यहाँ से चलने की इजाज़त है जिनमें खाद्य सामग्री का जाना सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। और सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जनता के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से ये रिक्वेस्ट करते हैं, लॉकडाउन का पालन करें, सरकार की हिदायतों का पालन करें।
सर, इनकी भी जनता से ये अपील है कि लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। ये देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये जिस तरह से ये भी हमारे कोरोना योद्धा हैं जी, ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि घरों में रहें, बाहर ना निकलें, लेकिन ये खुद अपने घर से बाहर हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं, उनका नाम बाबू राम जी है, मैं इसे जानने का प्रयास करूँगा। बाबू राम जी, आप क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मुझे ये कहना चाहेंगे जी, लॉकडाउन का पालन करें और घर से बाहर ना निकलें। सर, आपकी ड्यूटी कब से कब तक रहती है यहाँ पर? 24 घंटे हैं जी, हम 8-8 घंटे की शिफ्ट में रहते हैं। वैसे 8-8 घंटे की शिफ्ट में रहते हैं, तो सर कभी तो नाइट भी लगती होगी? हाँ जी, लगती है जी। तो सर, इस दौरान जैसे आप घर में जाते हैं, तो उससे पहले, घर में जाने से पहले, मतलब बच्चों से मिलने से पहले, सबसे पहले आपकी क्या दिनचर्या रहती है? पहले हाथ धोते हैं जाके जी सैनिटाइजर से, और फिर घर जाते हैं। सर देखिए, इनका ये कहना है कि रात की ड्यूटी के बाद, जब ये सुबह की ड्यूटी हो या रात की ड्यूटी, उसके बाद जब ये घर जाते हैं, तो सबसे पहले इनको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं अपने आप को वॉश करने के लिए, अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए। हाथों को सैनिटाइज करना है, कपड़ों को सैनिटाइज करना है। इनकी भी जनता से ये अपील है कि लॉकडाउन की उल्लंघना ना करें, क्योंकि लॉकडाउन का जो प्रस्ताव या जो भी दिशा निर्देश सरकार ने दिए हैं, वो जनता की भलाई के लिए हैं। कोरोना करनाल से ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना का संकट अभी तक है, गहरा भी सकता है अगर लोग लॉकडाउन की उल्लंघना करेंगे। जैसा कि आज हमें सुनने में आया था, देखने में भी आया था, कि करनाल में सुबह काछवा ब्रिज पर तकरीबन 1 किलोमीटर से अधिक लंबा जाम लग गया था, जिस कारण काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। तब ये भी बात उठने में आई थी, क्या लॉकडाउन की उल्लंघना करनालवासी ने शुरू कर दी, या कोरोना का भय जनता के मन से उतर गया है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लॉकडाउन भी उसी तरह से जारी रहेगा, कोरोना का वायरस भी अभी तक है। ये हाँ, ये रात भरी बात है कि पिछले 11 दिनों से करनाल में कोरोना का एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन हम भी इस जनता से बार बार ये अपील करेंगे कि सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। जिस तरह से कोरोना योद्धा दिन रात धूप में, गर्मी में, सर्दी में खड़े होकर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम इनका सहयोग करें और इन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना आने दें। हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? हेड कॉन्स्टेबल सोम सिंह। सोम सिंह जी, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम अपना विभाग की तरफ से ही अपील करना चाहते हैं कि सभी अपने घर पे सुरक्षित रहें, और हम 24 आवर्स आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं और आगे भी रहेंगे। सर, इनका भी यही कहना है कि ये 24/7 जनता की सेवा में तैनात है ना, कि बशर्ते जनता भी इनका सहयोग करे, बशर्ते जनता को जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो उनकी पालना करें, तभी लॉकडाउन सफल हो पाएगा, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद दुनिया भर में मोदी को फेवरेट बताया जा रहा है, तो हम ये चाहेंगे कि वो जो हमारा क्रम है, वो जो हमारा स्थान है, वो देश भर में बरकरार रहना चाहिए, तभी भारत बरकरार रहेगा, तभी मोदी जी का जो मिशन है वो बरकरार रहेगा, तभी जो है हिंदुस्तान की जनता सेफ रहेगी। क्योंकि बाकी देशों की अपेक्षा करनाल या अथवा भारत की स्थिति बहुत ही बेहतर है, और हम परमपिता परमात्मा से भी यही विनम्र निवेदन करते हैं कि करनाल पर और भारत पर अपनी दृष्टि को बनाए रखें, कृपा दृष्टि को बनाए रखें, और कोरोना से जीतने के लिए हमें सहायता प्रदान करें, और हमें ऐसी शक्ति दें। हमारे कोरोना योद्धाओं को फिर से समाचार एक्सप्रेस की टीम से नमन। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। आज सुबह करनाल में कुछ स्थानों पर भीड़ देखने को मिली, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होने लगा था कि या तो सरकार लॉकडाउन हटा दे या फिर लोगों के मन से कोरोना का भय हट गया। हालांकि राहत भरी बात यह है कि करनाल में पिछले 10 से 11 दिनों से कोरोना का कोई भी केस एक्टिव नहीं, इसके लिए करनाल प्रशासन की भूमिका सराहनीय है। लेकिन आम जनता को समझाना होगा कि कोरोना खत्म नहीं हुआ, इसलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे लॉकडाउन की उल्लंघना हो। समाचार एक्सप्रेस की टीम ने करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर अश्विनी आहूजा से विशेष बातचीत की। उन्होंने कोरोना को लेकर लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ जनता से क्या अपील की, यह भी आप सुनिए। मैं तरुण मदान, और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन 2 चल रहा है इस समय, और हमारे साथ इस बारे में बातचीत करने के लिए विशेष तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं करनाल के सिविल सर्जन, जिनके प्रयासों को सराहनीय बताया जा रहा है, सराहनीय किए हैं इन्होंने काम। इनके प्रयासों के फलस्वरूप ही आज करनाल में कोई भी ऐसा पॉजिटिव केस कोरोना का नहीं है, पिछले 10 या 11 दिनों से कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया। आइए हम इनसे और अधिक जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका समाचार एक्सप्रेस में स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से जो जनता के सहयोग के लिए जनता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। ये हमारे प्रयासों के साथ साथ जनता का भी सहयोग, हमारा प्रयास होता है, जनता के सहयोग के बगैर हमारा प्रयास कभी भी रंग नहीं लेके आता। लॉकडाउन प्रक्रिया को, माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान को, स्टेट गवर्नमेंट की सराहनीय कदमों को टाइमली उठाने के उपरांत जो जनता ने सहयोग दिया, जनता सर्वोपरि है, और उनका सहयोग ही ज़्यादा ज़रूरी था कि जो हम आज जिला करनाल में
स्टेटस अचीव किया है वो प्योरली और प्योरली लॉकडाउन प्रक्रिया में, जो पब्लिक अपने घर से नहीं निकली कि उसी का नतीजा है कि ये इन्फेक्शन आगे फैलने में शायद कंट्रोल लेवल तक पहुंच गया है, और आगे इतने पिछले 10-11 दिनों से जो स्टेटस है उसको देखते हुए कि कम्युनिटी के सहयोग की जो आवश्यकता थी वो चलो मिला, उसमें जो कमियां रही हैं वो अगले और 5-7-10 दिन यदि जनता इसी तरह से सहयोग करे तो मैं समझता हूं कि शायद हम ये जंग जनता के सहयोग से जीतने में सक्षम होंगे। सर, जैसे इनके कोरोना टेस्ट की किटों की अब थानेसर में भी मैन्युफैक्चरिंग होने लगी है, और सर उसका क्या फर्क पड़ेगा, मतलब वो यहाँ की बेहतर है या जो पहले से टेस्ट हो रहे थे वो बेहतर विकल्प था? थानेसर कौन से, थानेसर या कहीं से भी कोई किट बन रही है उस किट की ऑथेंटिसिटी मैं तब तक कोई बात नहीं कर सकता। हमारे को जो भी सप्लाई इस टाइम भारत सरकार के माध्यम से स्टेट को सप्लाई जाती है, स्टेट जो हमारे को गाइडलाइन SOPs और जो किटें या लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए दिशा निर्देश देता है वो सारे फॉलो किए जा रहे हैं। इस महामारी का सिर्फ और सिर्फ डायग्नोसिस लेबोरेटरी डायग्नोसिस से बनता है, PCR टेस्टिंग से बनता है, और कोई भी किटें यदि कोई आ रही हैं तो वो एपिडेमियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे जिनमें कई फैक्टर होते हैं उनको स्टडी करने के लिए हैं। डायग्नोसिस तो इसका प्योरली लेबोरेटरी डायग्नोसिस है, क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी मैं कोरोना डायग्नोज नहीं कर सकता। सर, करनाल में प्रतिदिन कितने टेस्ट हो रहे होंगे? करनाल में हमारे पास 8 तारीख के बाद से और 8 तारीख से पहले से जब से हमने ये शुरू किया हुआ है 732 सैंपल कल शाम तक टेस्ट हो चुके थे, जिसमें से कल शाम तक 665 की रिपोर्ट आई थी और आज भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो मैं अभी अवलोकन करूंगा, क्योंकि मैं अभी माननीय सेशन जज की कोर्ट में गया हुआ था, उन्होंने भी कोई मीटिंग बुला रखी थी डिजास्टर मैनेजमेंट पे। तो मैं ये कहना चाहता हूं जो 665 टेस्ट हमारे नेगेटिव आ चुके हैं और 5 टेस्ट हमारे नेगेटिव अदर इंस्टीट्यूशन से भी आ चुके हैं, जो मरीज किसी न किसी कारण से PGI चंडीगढ़ अपना किसी और बीमारी का इलाज कराने गए थे, उन्होंने चेस्ट सिम्टोमेटिक्स देखते हुए उन्होंने भी टेस्ट किया तो वो भी नेगेटिव आए हैं। इस तरह से हमारे ज़िला में अभी तक मैं ये कह सकता हूँ 700 के करीब रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, वो सारी नेगेटिव हैं, और जो रिपोर्टें आज और आ जाएंगी उनका स्टेटस शाम तक पता चल जाएगा। जो 6 पेशेंट पॉजिटिव थे उनमें से 5 बिल्कुल ठीक होके अपने घरों पर होम क्वारंटाइन पर हैं और एक की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी, और पिछले आज 12वां दिन है कि अभी तक कोई एक्टिव केस, नया केस या एक्टिव केस हमारे ज़िले में नहीं है। सर, जैसा फसल का सीज़न चल रहा है, गेहूं का सीज़न चल रहा है, और इन दौरान क्या होता है जो कंबाइंस होती हैं वो महाराष्ट्र से हरियाणा की ओर कूच करती हैं, तो सर महाराष्ट्र में जैसे इस समय केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं तो जो कंबाइनें यहाँ से गई हैं वहाँ वो वापस आने की तैयारी कर रही हैं, उस पर भी करनाल के या करनाल डिस्ट्रिक्ट की लेबर भी लगी हुई है, तो सर आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? ये लॉकडाउन की प्रक्रिया का पालन हर स्टेट को, हर ज़िले को अपने अपने स्तर पर करना है। जो भी कंबाइन हमारे कंबाइन या लेबर कंबाइन के ऊपर जो लेबर है वो यदि किसी दूसरे स्टेट में गई है तो वहाँ से वापसी पे वो अपना मेडिकल करा के चलेंगे, और दूसरे किसी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में एंटर करेंगे तो वो यदि रास्ते में कहीं पे भी उनको प्रशासन द्वारा रोका जाएगा तो उनसे देखा जाएगा, नहीं तो उन द्वारा भी ये प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी लॉकडाउन के पीरियड तक, 3 मई तक। तो 3 मई के बाद जो स्टेटस होगा वो उसके बाद पता चलेगा। जो जहाँ पे भी जिस डिस्ट्रिक्ट में भी है, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पहले दिन से लॉकडाउन में यही कहा गया था, जो जहाँ पे है वो वहीं रुके। यदि कोई किसी वो दूसरे चैनल से आ भी रहा है तो जिस डिस्ट्रिक्ट में वो एडमिनिस्ट्रेशन के या पुलिस के माध्यम से पकड़ा जाएगा या देखा जाएगा उसका उसी डिस्ट्रिक्ट में जांच होगी और फिर उसकी एपिडेमियोलॉजिकल हिस्ट्री पूरी स्क्रीन की जाएगी, उसको ज़रूरत फ्लू के सिम्टम्स हैं, ILI के सिम्टम्स हैं उनकी जाँच करवाई जाती है। जैसा कि हमारा रसूलपुर वाला केस था जो 13 जनवरी को MP में गया था गेहूं का किट सीज़न काटने के लिए,
वो 5 अप्रैल को वहाँ से वापस चले, 9 अप्रैल को वो पानीपत पहुँचे थे। वो रहने वाला करनाल का था, 3-4 बंदों के साथ थे। पानीपत की कंबाइन उसने जब हैंडओवर की तो वहाँ के स्टाफ ने, हेल्थ स्टाफ ने उसको फ्लू के सिम्टम देखे या अदरवाइज, वो ट्रैवल करके आया हुआ था तो कंबाइन के मालिक ने हेल्थ डिपार्टमेंट अथॉरिटी से उनको इन्फॉर्मेशन दी। हेल्थ अथॉरिटी ने उसको क्वारंटाइन में रख के 3 दिन बाद उनके टेस्ट करवाए जो कि पॉजिटिव आया, और अब उनको वहीं पे ही हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देने के उपरांत, उनके 2 लगातार नेगेटिव टेस्ट आने के उपरांत उनको होम क्वारंटाइन के लिए कल रात को डिस्चार्ज कर दिया। तो वो इसी प्रक्रिया के तहत किसी भी ज़िला में, वो किसी भी स्टेट के किसी भी ज़िला में यदि वो इस तरह से ट्रैप होंगे तो उनका टेस्ट किया जाएगा और उनके कंटैक्ट की ट्रेसिंग के लिए रिस्पेक्टिव ज़िला को वहाँ के सिविल सर्जन के माध्यम से हमारे पास ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तब हम उनके घर वालों को या उनके नज़दीकियों को हम कंटैक्ट ट्रेसिंग कराने की कोशिश करते हैं। अब जैसे यदि कोई बहुत पहले का गया हुआ है, जिस दिन वापस आएगा, वो वापस आने तक यदि कहीं पे भी कंबाइन, क्योंकि छोटी चीज़ है नहीं, वो कहीं ना कहीं कंबाइन कहाँ की है, करनाल की है, पानीपत की है, किसी ज़िला की है, वो वहाँ पे जब भी जाएगा तो उस ज़िले की जिम्मेवारी बनती है कि उनका टेस्ट करें और फिर उसको अपने घरेलू गंतव्य तक जाने की परमिशन दें। लास्ट में आप जनता के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसा कि कल रसूलपुर वाले केस में वहाँ के सरपंच द्वारा भी मुझे कहा, बताया गया और रात बार 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 रिक्वेस्ट की गई कि जो पेशेंट कोरोना से टेस्ट नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, उस पेशेंट के अंदर कोरोना का कोई लक्षण आज की डेट में नहीं है, उसका ट्रीटमेंट से यदि वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्न हो गया तो उसको होम क्वारंटाइन पर भी 14 दिन रखा जाता है। तो वहाँ पर मैं देख रहा हूँ लोगों के अंदर, ग्रामीणों के अंदर, पंचायतों के अंदर एक भ्रांति सी है, तो ये तो कोरोना का पेशेंट है, जब वो टेस्ट पे ही डायग्नोज हुआ और टेस्ट पे ही नेगेटिव टर्न हो गया तो उसको परिवार के लोगों को होम क्वारंटाइन करके, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, रिपीटेड हैंड वॉश या सैनिटाइजेशन करके, फेस मास्क का यूज़ करके वो उनके परिवार को और वो अपने आप को परिवार से दूर रखे, होम क्वारंटाइन पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, और गाँव वालों से ना तो कोई गांव वाला उससे मिले ना वो कहीं मिलने की किसी से चेष्टा करे, बट आउटराइटली या सिर्फ उसको कोरोना पॉजिटिव आ जाना और उसके बाद उसके घर वालों को या उनको पंचायतों द्वारा या किसी भी सोशल गांव के ग्रामीणों द्वारा उसको उस प्रक्रिया से दूर रखना, यह एडवाइजेबल नहीं है। हॉस्पिटल पेशेंटों के लिए है जो कि ठीक होने के बाद यदि हम उनको रखेंगे तो वो किसी न किसी के और कांटेक्ट में आके, किसी न किसी क्वारंटाइन फैसिलिटी में यदि हम वो रखें और वहाँ से कोई और पेशेंट क्वारंटाइन में रहते रहते यदि किसी को लक्षण आ जाएंगे और वो कल को पॉजिटिव टर्न हो जाएगा तो उसके लिए वो पूरी प्रक्रिया फिर दोबारा करनी पड़ेगी, उसके सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे, उस परिवार के सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे। इतना हॉस्पिटल के लेवल पर पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जनसंख्या, पूरी जनसंख्या करनाल की 16.5 लाख की जनसंख्या है, उसके लिए जो पेशेंट एक लेबोरेटरी डायग्नोसिस से कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वर्ट हो गया, ही शुड बी एक्सेप्टेड बाय ईच एंड एवरीवन, चाहे वो ग्रामीण है चाहे वो शहरी वास। सर ये थे हमारे साथ करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर अश्विनी ओझा जी, इन्होंने सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी सभी का प्रयास सराहनीय बताया, इसके साथ साथ जनता की भूमिका का भी इन्होंने सराहनीय बताया, क्योंकि जनता की भूमिका के बिना लॉकडाउन की पालना को पूरी तरह से सफल बनाना संभव नहीं था। इनका ये भी कहना है कि करनाल की जो बेहतर स्थिति बनी है वो जनता के सहयोग से ही बनी है, और जनता से यही अपील है कि आगे भी वो सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि आगे भी स्थिति ऐसी ही बनी रहे। और करनाल में फिलहाल कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है, कोई भी एक्टिव केस नहीं है, इसके लिए जनता का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि कोरोना, अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और उसके बाद नेगेटिव आ जाता है तो ऐसा उसको इस तरह से ना ट्रीट किया जाए कि हाँ वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर लेबोरेटरी ने उसको पहले पॉजिटिव बताया तो लेबोरेटरी ने उसको नेगेटिव बताया
तो वो अब भी हमारे बीच में रह सकता है, लेकिन उसको कुछ दिनों तक परहेज रखना होगा, सामाजिक दूरी को बनाए रखना होगा, लॉकडाउन की पालना करना होगा, घर से बाहर ना निकले, दूसरे लोगों के संपर्क ना आए। यह जो ट्रीटमेंट है केवल कुछ दिनों का है, उसके बाद वो अपने जीवन को पहले की भांति सुचारू रूप से जी सकता है और लोगों के साथ मिलजुल सकता है, अपने परिवार के साथ हंस खेल सकता है। मैं तरुण उदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी का समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।